आप जो महाड़ा ऑफिस आए हैं यहाँ पर, तो आपकी मीटिंग कैसी रही, सक्सेस हुई या नहीं? मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जो महाड़ा के CEO हैं, उनसे हमने अभी बातचीत की है और उन्होंने ये आश्वासित किया है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और जो भी प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। आप पे हम ज़बरदस्ती कोई भी स्कीम नहीं थोपेंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ अच्छी कही है कि यहाँ पे ना आप खुद सिर्फ आप ओनर है, ना माड़ा सिर्फ ओनर है, हम दोनों साथ में हैं, तो हमको जो भी करना है आगे साथ में करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलते हैं, इतना लेट उन्होंने क्यों किया, ये प्रोसीजर था, इतना लेट क्यों फॉलो किया? अभी उनका मानना ऐसा है कि अभी तक हमने सिर्फ आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है, आगे की प्रोसीजर अभी होनी है, तो उसमें हम सभी लोगों को खुद वहाँ पर आके वहाँ पर मीटिंग्स लेंगे और सबसे डिस्कशन होगा। यहाँ पे भी सोसाइटी ऐसे ग्रुप फॉर्म करके उसमें डिस्कशन होगा और उसके बाद ही उसको अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। आप क्या बोलें? नहीं नहीं, हाँ, जो नीलेश प्रभु जी ने अभी बोला है वो बिल्कुल राइट है। हम लोग करीब करीब 20 से 25 आदमी थे CEO के ऑफिस में, और हमने हमारा जो भी है पुटअप किया है। जो तकलीफ़ें हैं मोतीलाल नगर के निवासियों को, उन्होंने हमारे को कॉन्फिडेंस दिया है कि हमें किसी टाइप की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा मोतीलाल नगर के निवासियों के कंसेंट से होगा और सब कुछ ठीक होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद पर्सनली वहाँ पर मोतीलाल नगर में आकर के एक बड़ी सभा, बड़ी मीटिंग रखेंगे। तो दैट्स वेरी गुड ऑफ हिम। तो आप क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई हैं आप इस मीटिंग? अभी तो फिलहाल सेटिस्फाइड है, लेकिन जो भी नीलेश प्रभु ने हम लोग को आश्वासन दिया है उस हिसाब से अभी चलेंगे। तो हम भी कुछ सोच सकते हैं, सब सोसाइटी वाले मिलके मोतीलाल नगर 1, 2, 3 नंबर साथ में मिलके कुछ भी सोच सकते हैं। सर आप बोलिए, ये आपकी गलतफहमी थी, आप कह सकते हैं कि अभी इतना इन्होंने लेट किया ये प्रोसीजर में, जो जिस चीज़ का आपको डर था? ये संघर्ष है, और म्हाड़ा जिस तरह से रीडेवलपमेंट के लिए योजना बना रही है, PMC अभी लाया है, लेकिन हमारा पहले से यही कहना है कि हमको तो रीडेवलपमेंट में जाना ही है। जो हमारे घर है वो नए घर बनने चाहिए, बड़े घर मिलने चाहिए, अच्छे घर मिलने चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से मुंबई में घरों का एक कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को घर नहीं है, गरीबों को घर नहीं है, तो जो और जगह बचेगी तो वहाँ गरीबों के लिए भी घर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो एनवायरनमेंट का सब प्रॉब्लम है तो वो भी उसके भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। अगर लोगों को विश्वास में नहीं लेके आप मनमानी करके अगर ये पूरा प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर हम कोई भी रेसिडेंट जो है वो माड़ा को कोऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन अभी उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि पूरी योजना जो है वो रहवासी जो वहाँ पे लोग हैं उनको पूरे विश्वास में लेकर, उनसे बात करके, उनके सुझाव लेके हम करेंगे। ऐसा उन्होंने जो CEO है खुशवास साहब, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और हम देखेंगे उनके आश्वासन पे वो कायम रहते हैं, नहीं तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं हमेशा की तरह। मैडम आज जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो बिल्कुल उस बात से पलट गए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जो बात आई है तो उन्होंने कहा था कि म्हाड़ा करेंगे, ये बात सही है, मगर यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है उनको विश्वास में लिए बगैर अगर ये प्रोजेक्ट म्हाड़ा करना चाहती है तो यह संभव नहीं है। किसी भी हाल में हम लोग इसको मानेंगे नहीं, और इसके लिए अगर कोई संघर्ष करना पड़ा तो हम लोग संघर्ष के लिए भी तैयार है। मधे सगळं ऍड करून दिलेलं आहे, सगळं म्हणजे सगळं देतात, त्याच्यात हे येणार आहे, त्याच्यात हॉस्पिटल येणार आहे, सगळे गोष्टी सांगतात, परंतु जे आमचे घर आहेत त्याच्याबद्दल कुठलीही माहिती देत नाहीत म्हाडावाले। मग त्याच्यामुळे आम्हाला एकदम याच्यासारखं वाटतं की बा कुठल्या गोष्टी आम्ही काय करू शकतो, आम्हाला काय मिळणार किंवा नाही मिळणार याच्याबद्दल पण आम्हाला विचार येत असतो नेहमी, पण त्याचा अजिबात काही उल्लेख देत नाहीत ते। दुसरी गोष्ट म्हणजे असं, पाणी म्हाडावाल्याने पाणी आम्हाला खूप घाण येतं, पाणी अजिबात नाही आहे, पाणी त्यांनी द्यावं आम्हाला सगळ्यांनी। मग टू गेट द कनेक्शन वी हॅव टू पे ₹1,00,000, दे आर एजंट्स, देर आर नंबर्स ऑफ एजंट्स आर देअर। इफ वी आर पेईंग टू द एजंट देन वी विल गेट द कनेक्शन, इफ वी आर नॉट पेईंग टू द एजंट we are not getting the connection. Mahada should arrange that those are existing members of the society, they should get the water pipeline free of charge. Instead of that they are appointing agent and we are paying ₹90,000 for getting the water pipeline. There are middle order and lower class peoples are there staying there, they are not capable to pay this ₹90,000 to the agent.
they are without water. They are getting very bad quality of water in existing pipeline. We are expecting that MHADA should come forward and give the new pipeline connection to the existing members, as well as MHADA should take the confidence of all the residents members of the Motilal Nagar. You know, without the getting the confidence, they are just going forward for redevelopment, which is not possible. Is unless and until they take the confidence of the existing members or society's members, then they should not be possible for redevelopment. We expect they should come forward and take the confidence of the existing residents member of the society. That is our expectation. Meeting जो है पहले भी सर से जो भी बात हो गई थी ये बहुत पॉजिटिव है कुशवाहा साहब क्योंकि जब हम शुरू में ही उनको आके मिले थे जो माड़ा के सभापति है मधु चौहान जी के साथ में तभी उन्होंने हमको बोला था कि हम टाइम बाउंड प्रोग्राम बना रहे हैं और जिस तरह से उन्हें कहा था कि हमको एक महीने के अंदर पीएमसी अपॉइंट करेंगे उस तरह से उन्होंने पीएमसी अपॉइंट करके दी। अभी कुछ बातें ऐसी हो गई कि इन्होंने हमसे बात करने के पहले ही पेपर में देने के कारण लोग थोड़े से डर गए और पैनिक होके फिर उन्होंने कहा कि जो भी है हम समाज समिति आज कम से कम 10 साल से लड़ रहे हैं कोर्ट में भी हम लोग हैं तो लोग हमको तुरंत पूछने को आते कि इसके ऊपर क्या होने वाला है आगे किस तरह से होगा और इसके लिए हमने सोचा कि सर से जाके मिले क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग लोग आके मिल रहे हैं और जो सोसाइटी इतने साल से लड़ रही है वो अगर नहीं आके मिले तो लोगों के दिल में और थोड़ा तकलीफ होगी और इसके लिए हम लोग आके मिले। उन्होंने जो कहा और बहुत सही बात में कहा कि लोगों के साथ में वो वहाँ पे आके मीटिंग करेंगे तो ग्राउंड रियलिटी उनको मालूम होनी चाहिए उनका सर्वे होना चाहिए क्योंकि हमारे पास 1960 में हम लोग वहाँ पे आए हैं तो आज कम से कम चार चार पाँच पाँच फैमिली एक घर में रहती है। अगर हम कल अपना घर तोड़ेंगे तो उसके बाद में चार और पाँच फैमिली रहती है उनका क्या होगा। अगर उन लोग हमको जितना भी कुछ एक या दो रूम देना चाहते तो इतने सब फैमिली उसके अंदर नहीं तो हमारा उनसे कहना है कि हमारे सब फैमिलीज़ अलग अलग जगह पे उनको वहीं पे रहना चाहिए और भी कोई जो 18,000 घर बनाएंगे जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों को वो रख सकते तो प्रायोरिटी पे उनको वहाँ पे ही रहने को मिलना चाहिए जो लॉटरी निकालेंगे उसके अंदर। तो ये सभी चीज़ें हैं उनके सामने रखनी है। हमारे पास एक स्लम है आज उनका जो लेआउट है लेआउट के अंदर स्लम दिख नहीं रहा है एक हावरे का टॉवर है वो नहीं दिख रहा है उसके बाद में और भी जो कुछ छोटे मोटे ये उनको कुछ भी मालूम नहीं है और इसके लिए हमको लगा कि इन लोग वहाँ पे बैठ के अगर प्लान करेंगे तो उनको कैसा मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या है और इसके लिए हम लोग ने उनको आके मिले और उनको कहा कि भाई आप वहाँ पे आओ वहाँ पे रियलिटी देखो उसके बाद में हमारा डेवलप करो और उन्होंने उस बात के लिए एग्री की है कि ये सभी बातें हो गए। तो सच में वो एक मतलब हमको सुधांशु साहब के बाद में एक ऐसे सीओ मिले हैं कि जो चाहते हैं कि ये पॉजिटिवली हो और इसके लिए हम लोग उनका और चव्हाण जी का दोनों का भी धन्यवाद करते हैं। त्याचबरोबर ज्या पद्धतीने आपण म्हाडाचे पीएमसी यांचं जे रिप्रेझेंटेशन आहे ते रिप्रेझेंटेशन आपण त्यांनी जे जे मांडलेलं आहे ते आपण सगळ्यांना सांगितलं होतं तशाच पद्धतीने एक जाहीर त्याचं एक प्रेझेंटेशन आपण करणार आहोत ही एक महत्त्वाची गोष्ट झाली। तिसरी महत्त्वाची गोष्ट झाली की मोतीलाल नगरमधल्या लोकांना विश्वासात घेतलं जाणार आहे मोतीलाल नगरमधल्या लोकांना काय हवं आहे कशा पद्धतीची घरी हवीत हे समजून घेऊन मगच पुढची योजना आखणार आहेत। त्यामुळे वर्तमानपत्राच्या बातम्या आल्या त्या बातम्या ह्या चुकीच्या ठरतात आता सीईओचं जर आपण ऐकल्यानंतर। त्यामुळे वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या या त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे ते काही फायनल नाही प्रोसेस अजून सुरू आहे काही फायनल झालेलं नाही आहे। त्यामुळे हा आपला एक लढा आहे संघर्ष करायला पाहिजे मग आपल्याला सत्य कळतं। त्यामुळे या संघर्षातनं एक सत्य काय कळलं तर एक सत्य असं कळलेलं आहे की कुठल्याही पद्धतीने म्हाडा कुठल्या कॉन्क्लुजनवर आता आलेली नाही आहे। किती स्क्वेअर फुटाची घरं कशा पद्धतीची घरं किती पैसे लागणार आहेत कशा पद्धतीची योजना आहे ते म्हाडाकडे आता काहीही नाही आहे। त्यामुळे आपल्याला संघर्ष करत राहावं लागेल त्यांना आपल्या मागण्यांपर्यंत आणावं लागेल आणि म्हणून आपण लढायला पाहिजे आपण सतर्क राहायला पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की आजचं आपली मीटिंग मोतीलालनगरमधली आणि आजची ही मीटिंग ही अत्यंत महत्त्वाची झालेली आहे पण हा दबाव वाढत न्यायला पाहिजे। आपण मोतीलालनगरमधल्या कानाकोपऱ्यात जाऊन या सभा घ्यायला पाहिजेत आणि तशाच चौक सभा आता सगळं प्लॅनिंग तुम्हा सगळ्यांना सांगितलं जाईल त्या पद्धतीने तुम्ही सगळ्यांनी यायचं आहे महिलांनी मोठ्या संख्येने तिथे यायचं आहे आणि या सगळ्या सभांमध्ये सामील व्हायचं आहे। आपलं जे मोतीलालनगर विकास समिती आहे त्याचं संघटन अधिक मजबूत करायचं आहे लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग आणायचा आहे आणि आपले सगळे पदाधिकारी सर्व कार्यकर्ते यांच्या जोरावर आपण ही वाटचाल करतो आहे। तुम्ही इथे सगळे आलात त्याबद्दल मी काय आभार मानणार नाही कारण आपला लढा आहे पण हा भार आपण घ्यायचा आहे सगळ्यांनी आणि त्यासाठी सज्ज व्हायचं आहे।
लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे।